अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। न्यू नारकली कजाफी स्ट्रीट में जेरे तामीर इमारत का शेड जमीन बोस हो गया। राहगीर खातून मलबे तले दबकर जान बहक हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अरसलान हैदर से। जी अरसलान, बताइएगा ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू नारकली कजाफी स्ट्रीट में, जहाँ पर एक मखदूश इमारत की मरम्मत का सिलसिला जारी था। तो इसी दौरान यहाँ पर जो उसकी जो छत थी, वो जो उसका फ्रंट शेड था, वो ज़मीन बोस हो गया, जिसके मलबे तले एक राहगीर खातून जो थी दब गई, और जिसको पुलिस ने और रेस्क्यू ने मौका पर पहुँच कर जो है वो निकाला, और उसके बाद उसकी लाश को मुर्दाखाने में मुंतकिल कर दिया। SHO न्यू नारकली हमारे पास मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, अभी मौके पर पहुँचे, ये क्या मामला था, कैसे ये इमारत गिरी? ये पुरानी बिल्डिंग थी, डिमोलिश इन्होंने की है। इसकी SOP जो है TMO साहब ने इनको एडवाइस की होती, उसके मुताबिक ये सारे काम होते हैं। इसके बारे में TMO साहब भी बताएंगे कि इन्होंने इनको वार्निंग लेटर दिया था या नहीं दिया था। अब हमारे पास जो भी इसकी एप्लीकेशन लेके आएगा, हम उसकी कानूनी कार्रवाई करेंगे कानून के मुताबिक। जी सर, आप भी बताइएगा कि ये मखदूश इमारत, यहाँ पर एक नहीं और भी है, यहाँ पर काफ़ी इमारतें जो हैं, इनके खिलाफ पहले कहने को नोटिस वगैरह दिया गया था, जो आज एक सहाने का सबब बन गया। देखें जी, ये लाहौर में जितनी भी डेंजरस बिल्डिंग है, इनका बकायदा एक सर्वे किया गया है, और सर्वे करने के बाद इनके जितने भी मालकान हैं उनको सबको जो है ना फर्दन भी नोटिस दिए गए हैं, और इसके अलावा अखबार में भी जो है ना ये एक नोटिस जारी किया गया है, ताकि ये लोगों को जो है ना वार्निंग दी गई है कि ये आप खुद डिमोलिश करें और इनमें से इनको फौरी खाली कर दें। अब ये जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ ये था कि सुबह के वक्त जो है ना मजदूर काम कर रहे थे, और उन्होंने आगे जो है ना एहतियाती तदाबीर जो होती हैं कि प्रकाशनी में ये रस्ते को ब्लॉक करते कोई इधर ना आता, वो नहीं किया था। तो एक नीचे काम करने वाली जो खातून है, वो शमीम बीबी उसका नाम है, उसकी आज डेथ हुई है। उसके ऊपर जो है ना वो मलबा गिरा है, ये बिल्डिंग जो गिरा रहे थे। तो हम इनके खिलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को बकायदा एक एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, और इनके खिलाफ़ जो है ना FIR दर्ज कराई जाएगी कि उन्होंने खुद क्यों नहीं गिराई। अगर गिरा रहे थे तो फिर उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर लेने थे, वो प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं लिए। ज़िला इंतजामिया और पुलिस की जो है आपने गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पर अब एक आज जो एक हादसा बना है, और यहाँ पर इसको गिराने का जो सिलसिला था मखदूश इमारत को, वो जारी था, मजदूर काम कर रहे थे। तो जो खतून नीचे आई, उसकी जो शनाख्त है वो शमीम बीबी के नाम से हुई है। तो पुलिस ने खतून की लाश को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया, और यहाँ पर मजीद तहकीकात तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका।